नमस्कार, आप देख रहे हैं द अपॉइंटमेंट। मैं हूं प्रांजल शर्मा। आज मेरे साथ बातचीत के लिए साथ हैं श्री नरेंद्र बंसल, जो फाउंडर और चेयरमैन हैं इंटेक्स के। नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद, स्वागत आपका भी। आपकी सफलता से काफ़ी लोग अचंभित हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंटेक्स एक ब्रांड के रूप में सामने आया है और बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियाँ हैं उनको भी आपने काफ़ी हद तक टक्कर दी है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में करना चाहता हूँ आपकी अपनी कहानी से। आपने अपना कारोबार कब शुरू किया और कैसी परिस्थिति थी जब आपने सोचा कि आप इंटेक्स और मोबाइल की दुनिया में कदम रखेंगे? मैं तो एक ठेठ देसी आदमी हूँ, प्योर भारतीय जिसे कहते हैं, और भारत से मुझे बहुत लगाव है। और इंटेक्स को इस्टेब्लिश करने, आज सब लोग इंटेक्स देख रहे हैं, लेकिन जो जीवन है, मैंने अपना जीवन एक राजस्थान के गाँव तहसील भादरा से शुरू किया था। परिवार में किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में उसमें खैर वैसे नहीं पता था, और 1980 में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे। तो मैं तो स्कूल के टाइम 1980 में, मैंने कॉलेज पास किया 1986 में। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त से ही मुझे किसी न किसी कारण से अपना व्यापार करना और नई नई चीज़ें करने का शौक़ था। वही मुझे इस व्यापार की तरफ लेके गई। शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो, उस वक्त ऑडियो कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स, ये आई थी। हाँ, उस समय काफी एक नया उसमें घुमा चढ़ा था, कि क्योंकि वीडियो पिक्चर करेक्ट वीसीआर वगैरह पे देखी जाती थी। और ऑडियो कैसेट भी डोमेस्टिक ब्रांड्स आए थे काफी सारे, 2-in-1 काफी बिकते थे। तो वो दौर था जब मैंने देखा कि मेरे यार दोस्त जो है स्कूल में कॉलेज में, वो भी ये खरीदते रहते हैं, किराए पे लेते रहते हैं। तो मेरे को एक शुरू से भगवान की देन है, नैक जिसे कहते हैं, कि मेरे को अपॉर्चुनिटी, डिमांड और सप्लाई का गैप बड़ा आसानी से दिख जाता है कि कहाँ पर डिमांड है और सप्लाई कहाँ पे है। तो उस वक्त मैंने ये ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट सप्लायर ढूंढ के इधर उधर से और उनको देना शुरू किया था। मैंने एक वक्त था जब मैंने, तो आपने दिल्ली में ही कारोबार? जी, दिल्ली में शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम थी, ना तो पैसा था ना अनुभव था, और अकेला मैं था। तो मेरे पिताजी का अनाज का बिजनेस था, उनको इस बारे में कोई मतलब नहीं था। हाँ, उनका ये जरूर था भी आप जो मर्जी करो, बट उनका कोई सलाह मशवरा या ऐसा मेरा साथ अनफॉर्चुनेटली सहयोग उस वक्त नहीं रहा। तो मैंने, और पैसे में कारोबार भी नया था, क्योंकि उनका जो समय था, उनका जो कारोबार था, बहुत अलग था। बिल्कुल, अनाज का जो बिजनेस सोच ही अलग है, और टेक्नोलॉजी जो उस समय नई थी वो तो बहुत ही नए उसके आयाम थे। और उस टाइम आप देखे, इंडिया आज जैसा है उस टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं था। क्लोज इकोनॉमी थी, आज तो लिबरलाइज हो गया, हर चीज मिल रही है, कस्टमर किंग है यहाँ पे। उस वक्त तो ऐसा था नहीं बिल्कुल भी। तो उसी वक्त मैं पैसों की भी, मैं फैमिली से इतना नहीं लेना चाहता था, शुरू से ये था कि अपने आप ही करना है मेरे को। तो मैंने यहाँ तक किया कि जो उस टाइम आपको ध्यान हो, वायरलेस जो कॉर्डलेस फ़ोन कहते हैं, वो रिपेयर भी करवाया मैंने, उसका भी व्यापार किया था, कॉर्डलेस फ़ोन खरीदे। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिरला मंदिर के अंदर जो टूरिस्ट आते थे उनकी फोटोग्राफ भी ली हुई है। अच्छा, यहाँ तक ये काम किया हुआ है। तो मैंने ये अलग अलग किस्म से काम किए। फिर उस वक्त आपको शायद ध्यान हो तो आईटी भी नया नया चला था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके जो प्रोडक्ट्स कंप्यूटर आने शुरू हुए थे। हाँ, क्योंकि उन्हीं दिनों सरकार ने कहा था कि कई दफ्तरों में कंप्यूटर लगेंगे, और एक दौर चला सा था व्यापारियों के अंदर भी कि भाई हमें कंप्यूटराइज करना है, इससे हमारे अकाउंट सही हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग बैंकों ने भी किया था, व्यापारियों ने भी, किसी ने अकाउंट्स के लिए किया था, या जो डिज़ाइन स्टूडियो होते थे कंप्यूटर का भी मैंने असेंबल करने शुरू किया। उस टाइम असेंबल का मार्केट होता, ब्रांडेड महंगे भी बहुत होते थे, ज़्यादा कुछ चलते नहीं थे। तो हमने कंप्यूटर असेंबल करना शुरू किया, और इस तरह फिर उसी दरमियान एक, आजकल तो रैम्स आ गई या सीडी रोम्स आ गई, डीवीडी। लेकिन आपकी रुचि हमेशा नई टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे रही? मेरा ये कुदरती है शुरू से ही। मैं आज भी इस वक्त भी हर रोज ये सोचता हूँ, भी आज मोबाइल फ़ोन तो कर लिया, कल क्या? कोई भी एक चीज़ मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, पानी को बहना ही होता है, नदी का जो स्वभाव है उसको बहते रहना है। ऐसे ही मुझे लगता है कि इंसान का स्वभाव है, मेरा स्वभाव ऐसा है कि बहते रहना, आगे बढ़ते रहना है। अगर मैं जिस दिन यहाँ रुक गया तो उस दिन लगता है कि भी अपना जीवन में कुछ, लेकिन आगे बढ़ने में जोखिम भी होता है। आपको ये नहीं लगा कि आप ऐसे नए इलाकों में कदम रख रहे हैं, नए कारोबार में कदम रख रहे हैं, जिस पर किसी को तजुर्बा नहीं है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई आपको, जैसे आप बता रहे थे, सलाह देने वाला भी नहीं है, तो उससे आपको डर नहीं लगा? डर थोड़ा सा रहता है, लेकिन जब आपको व्यापार के अंदर आगे बढ़ना है, एक जुनून होता है ना, जब जुनून होता है तो डर जो है पीछे छूट जाता है। लेकिन एक तरफ तो मैं ये बात करूँ, लेकिन मेरा एक स्वभाव और है कि मैं हमेशा बहुत ही जुडिशियस डिसीजन लेता हूँ।
प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, बहुत एग्रेसिव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ में सारे दाव, सब चीज़ दाव पे लगा दी, जिससे मैं कहता हूँ कि कैलकुलेटेड रिस्क, संभल के चलते हैं, संभल के चलना। और इसी वक्त इसी कारण आज भी इंटेक्स जो है जीरो डेट कंपनी है, एक पैसे का हमारे पास लोन नहीं है किसी का भी। तो इंटेक्स की शुरुआत कैसे हुई, मोबाइल के कारोबार में आपने कदम रखने के बारे में कब सोचा? सी, इंटेक्स बनी 1996 में, तब हमने शुरुआत करी। मैंने जैसे बताया कि डिमांड सप्लाई का गैप, कॉर्डलेस फोन्स की नहीं, वो तो पुरानी बात है काफ़ी, इंटेक्स से पहले की बात है। 1996 में जब कंपनी बनाई तो इंडिया के अंदर तभी तभी मोबाइल शुरू हुए, नहीं नहीं मोबाइल तो काफ़ी लेट, हाँ मोबाइल तो खुले थे बट मार्केट तो अभी पिछले 7-8 सालों में ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि उस समय मोबाइल के लाइसेंसेस दिए जा रहे थे, दिए गए थे, तो वो एक दो मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोडक्ट थे। हमने तो आईटी से शुरू किया, इंटेक्स ने जो अपना काम शुरू किया, कारोबार शुरू किया, वो आईटी प्रोडक्ट्स थे, जिससे सबसे पहले इथरनेट कार्ड्स थे, फिर मल्टीमीडिया स्पीकर्स आए, कैबिनेट्स आए, कीबोर्ड, ऐसे करके पेरिफेरल्स जिसको कहते हैं, जो मोबाइल, हाँ पेरिफेरल्स। इंटेक्स जो मोबाइल में एंटर करी है वो करी है 2007 में, अभी पिछले 7 साल पहले। और जो ग्रोथ हमारी हुई है पिछले 4 सालों में, इंटेक्स ने जो कामयाबी हासिल की है वो बेमिसाल है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपकी आपके साथ साथ कई और लोगों ने मोबाइल के क्षेत्र में कदम रखा, आपकी सफलता तो एक नए स्तर पर आपको पहुंचा दिया, लेकिन 2007 से 2016 तक का सफर हम देखें तो आप सचमुच में आपने बहुत ही हवाई उड़ान ली है। तो आपको अब जब देखते हैं पिछले कुछ सालों में जो आपकी सफलता हुई है वो किस कारण हुई, आपको क्या लगता है कि क्या आपने कदम उठाए, क्या आपने निर्णय लिया जिसकी वजह से मोबाइल में आपका इतना बड़ा ब्रांड स्थापित हो पाया? एक कहा जाता है कि एक कंपनी जो होती है उसके CEO या MD की परछाई होती है ना। तो इंटेक्स में अगर मैं MD हूँ या मैं चेयरमैन हूँ तो ये मान के चलिए कि इंटेक्स मेरी परछाई है, और मेरा स्वभाव थोड़ा सा बोलना कम और डिलीवर ज़्यादा करना है ना, जिसे कहते हैं अंडर कमिटमेंट ओवर डिलीवरी, वो मैकेनिज्म था। तो इस चक्कर में हम जो पिछले 10-12 साल इंटेक्स ने थोड़ी स्लो चली, लेकिन 2007 में जो मोबाइल आया, मोबाइल पूरा कंज्यूमर इंटरफेस वाला प्रोडक्ट है, जब आईटी में थे वो B2B बिजनेस मॉडल था। इसके अंदर अगर आप कंज्यूमर से एंगेज नहीं करते हो, कंज्यूमर से बात नहीं करते हो, अगर अपनी चीज़ नहीं बता पाते हो तो आप ग्रो नहीं कर सकते। जिस दिन हमने ये रियलाइज़ किया कि मोबाइल जो प्रोडक्ट है हमारा, ये आपको कंज्यूमर से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, ब्रांड को भी और प्रोडक्ट को भी, तब हमने हमारी कंपनी का DNA बदला। इंटेक्स सडनली ये होगी कि हमें कंज्यूमर पे ही ध्यान देना, कंज्यूमर जिसके ट्रू सेंस में कहते हैं हम कंज्यूमर इज़ द किंग, वो रियलाइज़ किया। तो हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जिसमें कंज्यूमर को फ़ायदा हो, प्राइस मिले, टेक्नोलॉजी मिले, माल उसके घर के आसपास मिले, उसको आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिले, जब प्रोडक्ट यूज़ करे तो उसको अच्छा लगे। ये सब जब हमने ध्यान में रखा कि भी प्राइस हमेशा कॉम्पिटिटिव रहो, टेक्नोलॉजी आप सबसे पहले लेके आओ, जब इंटेक्स ने इन सब चीज़ों का ध्यान दिया तो आज जिस मुकाम पे आप देख रहे हो इंटेक्स का, ये उसका नतीजा है।